Hey guys, welcome back again on channel. सेफ्टी पिन, पता नहीं ये छोटी सेफ्टी पिन आपको कैमरे में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, लेकिन सेफ्टी पिन से सेफ्टी जुड़ी हुई है। लेकिन इसका इस्तेमाल लोग सुरक्षा के बजाय कई दूसरों कामों में करते हैं, जैसे कि दांत की सफाई से लेकर इमरजेंसी में कपड़े फटने पर, या कभी कभी लोग बटन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों से लेकर कागज बांधने तक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक छोटे से तार से बनी ये चीज काफी काम की है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया और कब किया? अगर नहीं पता है तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। चलिए जानते हैं सेफ्टी पिन के इन्वेंशन के बारे में, इसके इन्वेंटर के बारे में और इसके फैक्ट्स के बारे में कुछ। तो मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टे। सेफ्टी पिन होती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बड़ी काम की चीज है। ये छोटी सी पिन भारतीय महिलाओं के सबसे खूबसूरत अप्रैल साड़ी को बखूबी संभालने से लेकर मुसीबत के वक्त पुरुषों के लिए भी काफी बड़ी काम की चीज है। पहली सेफ्टी पिन तकरीबन 8 इंच लंबे तांबे के तार से बनाई गई थी। ये पहली ऐसी पिन थी जिसमें पिन को रोकने के लिए बकल लगाया हुआ था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आखिरकार सेफ्टी पिन का इन्वेंट किसने किया। तो बात है 1849 की। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित मास्टरबर्ग में रहने वाले वॉल्टर हंटर जब गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जब तमाम कोशिशों के बावजूद भी वॉल्टर अपने पूर्वजों के द्वारा लिया गया $15 का कर्ज समय से चुका नहीं पा रहे थे। इसके चलते ही वो बेहद ही तनाव में अपना जीवन निकाल रहे थे। वॉल्टर हंट बचपन से ही अपने पिता के साथ लोहे के बिजनेस से जुड़े हुए थे। इसके चलते लोहे के काम को बारीकी से वो जानते थे। वॉल्टर हमेशा से ही कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन पुश्तैनी कर्ज के दबाव के तले कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे थे वो। आखिरकार काफी सोच विचार करने के बाद वॉल्टर ने महिलाओं की जरूरत को समझते हुए सेफ्टी पिन का इन्वेंट करने का फैसला किया। हालांकि सेफ्टी पिन से पहले वो फाउंटेन पेन का आविष्कार भी कर चुके थे। वॉल्टर हंट ने केवल 3 घंटे की रिसर्च के बाद ही सेफ्टी पिन का आविष्कार कर दिया था, जो कि अब तक का फास्टेस्ट इन्वेंशन में से भी एक है। इस सेफ्टी पिन के इन्वेंट करने के बाद वॉल्टर हंटर ने सबसे पहले इस पिन को WR ग्रीस कंपनी को बेची। इसके बाद इस कंपनी ने उन्होंने एक बड़ा संख्या में सेफ्टी पिन बनाने का ऑर्डर दिया और इस आविष्कार से वॉल्टर ने तकरीबन $400 कमाए और अपना लोन भी चुकाया। दुनिया में पहली बार सेफ्टी पिन का आविष्कार करने के बाद भी वॉल्टर हंट को ऐसा नहीं लगा था कि उन्होंने कुछ बड़ी खोज की है, लेकिन ये दुनिया के लिए एक नया आविष्कार था और बहुत ही इम्पोर्टेंट आविष्कार था। वॉल्टर हंट ने सेफ्टी पिन के बाद सिलाई मशीन, ट्राम घंटी, आइस बोल्ट और स्पिनर और सड़क साफ करने वाली मशीन का भी आविष्कार करने का क्रेडिट वॉल्टर हंट को ही जाता है। इसके अलावा भी वॉल्टर के नाम पर कई आविष्कार पेटेंट है, लेकिन वॉल्टर सिलाई मशीन के आविष्कार को कभी भी पेटेंट नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस मशीन को पेटेंट कराने से इसकी कीमत बढ़ जाएगी, जिस वजह से गरीब लोग इसे खरीदने में असमर्थ रहेंगे, जिस वजह से बेरोजगारी का भी बढ़ने का कारण हो सकता है। सेफ्टी पिन के इन्वेंट करने के 10 साल बाद 8 जून 1859 को 62 वर्ष की उम्र में वॉल्टर हंट का अमेरिका के न्यूयॉर्क में निधन हो गया। लेकिन वो अपने संघर्ष के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताने में सफल रहे कि परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन इंसान को अपने अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हमेशा कायम रखना चाहिए। वॉल्टर के हौसले और जज्बे को हमारा प्रणाम। सेफ्टी पिन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन को जरूर दबा दे, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सेफ्टी पिन का पहला फैक्ट ये है कि 2002 में यूके में 103 लोगों को एक साथ अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था इस छोटी सी सेफ्टी पिन से इंजरी की वजह से। सेफ्टी पिन का दूसरा फैक्ट ये है कि हेल्थ और सेफ्टी से जुड़े एग्जीक्यूटिव रिकमेंड करते हैं कि हर फर्स्ट एड बॉक्स में कम से कम 6 सेफ्टी पिन होने ही चाहिए। ये फैक्ट आपको पता था कि नहीं, मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। सेफ्टी पिन का तीसरा फैक्ट ये है कि सेफ्टी पिन के इन्वेंटर वॉल्टर हंट ने कभी भी अपने इस आविष्कार को सेफ्टी पिन का नाम नहीं दिया था। मिस्टर हंट इसे ड्रेस पिन के मेकअप या फॉर्म में एक नया और उपयोगी सुधार के तौर पर हमेशा से ही डिस्क्राइब करते थे। सेफ्टी पिन का चौथा और आखिरी फैक्ट ये है कि तुर्की जैसे देशों में सेफ्टी पिन से मोतियों को जोड़कर गुडलक चार्म बनाए जाते हैं।
और इस वजह से वहाँ छोटे बच्चों द्वारा पिन को निगलने की घटनाएं ज्यादातर होती रहती है, जो गलती से उन्हें निगल जाते हैं। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि होमस्टेट के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।